नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। पंजाब में आज कुछ बड़ा होने वाला है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पंजाब से, कैप्टन अमरिंदर विधायक दल की बैठक में नहीं जाएंगे। शाम 5 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक है। और इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब सरकार में फेरबदल के आसार। विधायक दल की बैठक में नहीं जाएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। विधायक दल की बैठक पर कैप्टन का पक्ष, बतौर विधायक दल के नेता उन्होंने नहीं बुलाई है बैठक। अभी अपने सरकारी आवास में वो मौजूद हैं और वो इस बैठक में हिस्सा नहीं लेने वाले हैं। चंडीगढ़ में शाम 5 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक है, जिसमें सभी कांग्रेस के विधायक शामिल होंगे। दिल्ली से 2 ऑब्जर्वर कांग्रेस के गए हैं, वो भी इस बैठक में होंगे। आलाकमान का रिप्रेजेंटेशन वहां पर करेंगे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक से पहले पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, वाह राहुल गांधी जी, आपने बेहद उलझी हुई गुत्थी के पंजाबी संस्करण के समाधान का रास्ता निकाल लिया है। आश्चर्यजनक ढंग से नेतृत्व के साहसिक फैसले ने न सिर्फ पंजाब कांग्रेस के झंझट को खत्म किया है, बल्कि इसने कार्यकर्ताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया है और अकालियों की बुनियाद हिला दी है। सुनील जाखड़ कांग्रेस के नेता, कांग्रेस बीजेपी पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बलराम जाखड़ जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, स्पीकर 2 बार के, कांग्रेस के कृषि मंत्री, उनके पुत्र हैं, सुपुत्र हैं सुनील जाखड़। और उन्होंने ट्वीट करके ये कहा है कि अकालियों की बुनियाद हिला दी और क्या रास्ता आपने ढूंढा है पंजाब के क्राइसिस को सुलझाने का। पंजाब में उठा पटक के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो गाड़ियां हैं वो यहां पर सरकारी आवास पर पहुंच रही हैं और यहां पर आप देख भी सकते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने सरकारी आवास के ऊपर हैं और सामने आपको कैप्टन अमरिंदर सिंह दिखाई दे रहे हैं कि जहां पर वो पहुंचे भी हुए हैं। उनके साथ कई विधायक भी यहां पे उनके साथ आए हुए हैं और काफ़ी बड़ा काफिला मंत्रियों का और विधायकों का आपको दिखाई भी दे रहा है कि जहाँ पर सामने आपको जो कई मंत्रियों की गाड़ियां हैं, विधायकों की गाड़ियों का एक लंबा चौड़ा काफिला जहां पर अंदर जा रहा है। और अब देखने वाली बात होगी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की रणनीति किस तरह की होगी, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं और पत्ते थोड़ी देर बाद ही खुलेंगे। फिलहाल आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ अपने सरकारी आवास के ऊपर पहुंच चुके हैं। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज 24 चंडीगढ़। बिल्कुल, हमारे साथ परमिंदर सिंह है, अकाली दल के प्रवक्ता। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है जगतार संघेरा और हमारे साथ महेश वर्मा है, बीजेपी के नेता। और विशाल एंग्रीश मेरे सहयोगी पंजाब से, चंडीगढ़ से, लगातार इस खबर पर नजर बनाए, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं विशाल एंग्रीश के पास चलूंगी। विशाल एंग्रीश, अमरिंदर सिंह विधायक दल की बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे, सभी विधायकों को शामिल होने के लिए कहा है। दिल्ली से 2 वरिष्ठ कांग्रेस नेता वहां पर गए हैं और अभी अभी हमने हमने वो ट्वीट देखा जिसमें ये कहा गया कि तारीफ की गई राहुल गांधी की। ये कहा गया, सुनील जाखड़ का ये ट्वीट था और उन्होंने तारीफ की कि कितने अच्छे तरीके से आपने सुलझा लिया। कुछ सुगबुगाहट जाखड़ साहब को लेकर है भी, उनके नाम को लेकर। तो क्या ये मान लिया जाए कि कैप्टन का जाना अब लगभग तय हो गया है? देखिए, अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लगातार ही विधायकों की और मंत्रियों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। अभी तक 2 दर्जन के करीब जो मंत्री और विधायक हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के सरकारी आवास पर पहुंच चुके हैं। 4 मेंबर पार्लियामेंट यहां पे मौजूद हैं और लगातार ही, क्योंकि काफ़ी दूर दूर से विधायक आ भी रहे हैं और लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह को फ़ोन के ऊपर कहा भी जा रहा है कि वो जल्दी ही आपके आवास के ऊपर पहुंचेंगे। वहीं पर दूसरी ओर नवजोत सिंह सिद्धू का जो कैंप है वहां पर भी 12 से 13 जो विधायक हैं वहां पर भी पहुंचे हुए बताए जा रहे हैं। अब दोनों ओर से पूरे जोर आजमाइश की जा रही है और जो हमारे सूत्र भी ये बता रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह चाहते हैं कि जहां पर वो जब पर्याप्त संख्या बल हो जाए विधायकों और मंत्रियों की, तभी मीटिंग में जाने का फैसला होगा और अन्यथा वो इस बैठक में नहीं जाएंगे। क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह काफ़ी नाराज हैं कि उनके बिना पूछे ही, क्योंकि जो विधायक दल की मीटिंग करने का अधिकार सिर्फ विधायक दल के नेता को होता है, हाईकमांड ने अपने लेवल के ऊपर ये बैठक बुलाई है और हाईकमांड को कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनौती देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और यदि कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं होगा तो समझा जा रहा है, जो हमारे सूत्र भी बता रहे हैं, कि कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बैठक में नहीं जाएंगे।
और हो सकता है कि वो सीधा गवर्नर हाउस चले जाएं अपना त्याग पत्र देने के लिए, लेकिन जिस तरह से विधायकों के फोन आ रहे हैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह खेमा काफ़ी आश्वस्त भी दिखाई दे रहा है कि ये नौबत नहीं आएगी और वहाँ पर ही वो सीधा यहाँ पे जाएंगे। फिलहाल एक हलचल दिखाई दे रही है कि जहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है आप देख सकते हैं कि काफ़ी चाक चौबंद कर दी गई है और सारे के सारे यहाँ पर इकट्ठा भी हो चुके हैं। हो सकता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ से निकलें और जिस तरह से अमरिंदर सिंह की सुरक्षा जो सुरक्षाकर्मी हैं एकदम बाहर आ चुके हैं और समझा जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह इस समय कहीं जा सकते हैं, हो सकता है कि गवर्नर हो जाएं क्योंकि अभी भी समय बचा हुआ है और जहां से यही कहा जा सकता है यहां से सीधा गवर्नर हाउस भी जा सकते हैं या किसी के घर जा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहां पे जो सुरक्षा है कैप्टन अमरिंदर सिंह के सुरक्षा जो अधिकारी हैं या सुरक्षा करने वाले जवान हैं उन्होंने लग रहा है कि पूरा का पूरा जो एरिया है सील कर दिया है और एकदम से अलर्ट हो गए हैं। और ये अलर्ट उसी बात का सूचक होता है कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बाहर आना होता है। फिलहाल आपको दिखाई भी दे रहा है कि गाड़ियां अंदर से बाहर होती हुई दिखाई भी दे रही हैं और किसी भी समय कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने सरकारी आवास से बाहर आ सकते हैं। और जिस तरह से आप देख भी पा रहे हैं कि पूरी का पूरा जहां पर जो सुरक्षा है सुरक्षा कर्मियों ने लोगों को रोकना शुरू कर दिया है। जब तभी रोका जाता है जब मुख्यमंत्री की आमद होनी हो। फिलहाल देख सकते हैं कि जो सुरक्षा के अधिकारी हैं जो जवान हैं उन्होंने यहां पे रोक लगा दी है और कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर के बाहर जो मीडिया का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। और धीरे धीरे जो विधायक हैं मंत्री हैं अभी भी एक मंत्री जहां पर आते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं कि जो कई मंत्री और विधायक हैं वो लगातार ही कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास अंदर जा रहे हैं। और इस समय जो सुरक्षा है सुरक्षा काफ़ी चाक चौबंद कर दी गई है कैप्टन अमरिंदर सिंह की आमद को लेके। और ये अधिकारी इस समय आप देख पा रहे हैं कि दो दर्जन के लगभग जो विधायक हैं वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के सरकारी आवास पर मौजूद हैं और वहीं पर चार या पाँच के लगभग जो मेंबर पार्लियामेंट है लोकसभा के वो अंदर मौजूद हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी मौजूद है। लगातार ही जो विधायक हैं वो आ भी रहे हैं। फिलहाल इस समय की जो स्थितियां हैं वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के सरकारी आवास के बाहर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जहां पे सारे का सारा जो हमला फैला है वो लगा भी हुआ है कि किसी को भी आगे नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कहीं चाहे वो गवर्नर हाउस हो कांग्रेस भवन हो जहाँ किसी अपने समर्थक के घर पे वो जाना चाहते होंगे। और यही कारण है कि अब जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की कॉन्वाई बाहर निकल सकती है। आप कह रहे हैं कि वो अपने समर्थक के यहाँ या वो राजभवन भी जा सकते हैं इस्तीफा सौंपने, और इस बीच उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि वो इस विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होने वाले हैं। दूसरी तरफ से पार्टी आला कमान ने ये कहा है कि एक ही बैठक होगी, केवल एक ही बैठक होगी और वो शाम 5 बजे होगी, CLP की बैठक, कांग्रेस विधायक दल की बैठक। जो दूसरी बैठक अमरिंदर सिंह के घर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर पर होने की बात लगातार हो रही थी कि वो रणनीति अपनी बनाएंगे, उसे सिरे से खारिज किया पार्टी आला कमान ने। तो ये आपस में जोरदार टसल हो गई है इस वक्त और पूरी तरह से बगावती सुर ऐसा लगता है कैप्टन जो है वो इख्तियार किए हुए हैं। विशाल देखिए, ना तो कैप्टन अमरिंदर सिंह झुकने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं ना ही आला कमांड दिखाई दे रही है झुकने के लिए। और एक तरह से जो टसल है टसल दोनों ओर से पूरी तरह बदस्तूर जारी भी है और यही कारण है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का खेमा किसी भी तरह से झुकने के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रहा। बेशक नवजोत सिंह सिद्धू तृप्त रजिंदर बाजवा सुखजिंदर रंधावा द्वारा अपने समर्थक विधायकों को फोन करके तुरंत कांग्रेस भवन आने के लिए कहा भी जा रहा है और वहाँ पर भी 10 से 12 के लगभग जो विधायक हैं वो अभी तक पहुँचे हुए हैं। और अब कैप्टन अमरिंदर सिंह हो सकता है कि 4:30 बजे गवर्नर हाउस चले जाएं और वहां पर अपना त्याग पत्र क्योंकि काफी नाखुश दिखाई दे रहे हैं कि इस समय जब किसानों की आवाज बुलंद करनी थी
तब कांग्रेस आला कमान ने ऐसा दाव खेला कि कांग्रेस आपस में उलझ गए और पंजाब की ओर ध्यान ही नहीं पिछले दो महीनों से दे पाए। आपसी कलेश में उलझते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह, हो सकता है जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बड़ी खबर है कि 4:30 बजे गवर्नर हाउस जा सकते हैं रिजाइन करने के लिए। 4:30 बजे गवर्नर हाउस राजभवन जा सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। ये खबर हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे विशाल एंग्रीश इस वक्त दे रहे हैं। ये बड़ी खबर है, अगर ऐसा होता है तो वो सीधे तौर पर बगावत होगी कांग्रेस आला कमान से। बगावती सुर कैप्टन के दिख ही रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि विधायक दल की बैठक बुलाई गई बिना मेरी जानकारी के, वो इससे स्पष्ट नाखुश नजर आ रहे हैं, इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। पार्टी ने दूसरी तरफ कहा कि एक ही बैठक होगी जो शाम को 5 बजे होनी है कांग्रेस के सारे विधायकों की, और अलग दूसरी बैठक कोई नहीं कर सकता, यानी कैप्टन नहीं कर सकते। और इस सबके बीच में हमारे संवाददाता विशाल एंग्रीश हमें यह खबर दे रहे हैं कि 4:30 बजे ये सुगबुगाहट है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह राजभवन जा सकते हैं अपना इस्तीफा सौंपने, जो कि एक बहुत बड़ी बगावत हो जाएगी कैप्टन और अमरिंदर सिंह की ओर से, और कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी सरदर्द और मुश्किल की स्थिति पैदा हो जाएगी कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर ऐसा करते हैं। एक और ट्वीट भी आई है, मैं अपने मेहमानों के पास चलूं इस बीच विशाल एंग्रीश, एक ट्वीट सुनील जाखड़ की ओर से भी आई है जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बलराम जाखड़ के सुपुत्र, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, विधायक 3 बार के सांसद रह चुके हैं, उन्होंने तारीफ की है ट्वीट के माध्यम से राहुल गांधी की और कहा है कि मैं उनकी सराहना करता हूं कि उन्होंने क्या जोरदार तरीका ढूंढा इस पूरे क्राइसिस को, संकट को ठीक करने का पंजाब में। तो सुनील जाखड़ की ये ट्वीट भी बहुत कुछ कहती है, उनका भी नाम इन द राउंड्स है, कहीं ऐसा ना हो कि सरप्राइज एंट्री, सिद्धू और कैप्टन तो लड़ते भिड़ते रहे और बीच में आ जाएं सुनील जाखड़। देखिए ऐसा ही होता है अक्सर, जो शतरंज के खिलाड़ी होते हैं वो शायद मात भी करते हैं और तीसरा जो व्यक्ति होता है वो जो राजा होता है उसको चित करते हुए उसी आसन पर बैठ जाता है। ऐसा ही पंजाब की सियासत में भी दिखाई दे रहा है और यही कारण है कि सुनील जाखड़ का नाम सबसे ऊपर चल रहा है इस समय जो मुख्यमंत्री की दौड़ में, क्योंकि उनके साथ चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू हों, कैप्टन अमरिंदर सिंह के कुछ साथी मंत्री हों और सुखजिंदर रंधावा, तृप्त बाजवा, जो बागी विधायक कहे जाते हैं, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए काफ़ी बड़ी सरदर्दी भी बने हुए थे, उनके खासम खास माने जाते हैं जो सुनील जाखड़ हैं, और वहीं पर उनका पंजाब में कद भी काफ़ी बड़ा दिखाई देता है और जाट नेता भी है, कमाल भी करता है, किसान आंदोलन और किसान विचार करता हुआ दिखाई दे रहा है कि चल रहा है उसको लेकर सूट भी करता है ये कांग्रेस पार्टी को, ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है अगर ऐसा होता है तो। इस बीच में रिएक्शंस ले लेती हूँ। बड़ी खबर ये है कि 4:30 बजे राजभवन जा सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, अभी अभी विशाल एंग्रीश ने बताया अगर ऐसा होता है तो ये खुली ओपन बगावत होगी और कांग्रेस दो फाड़ पंजाब में होते हुए सीधे सीधे तौर पर दिखेंगे। मैं चलती हूँ सीधे हमारे पास साथ जुड़े हुए महेश वर्मा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। महेश वर्मा, कैसे देख रही है आपकी पार्टी इस पूरे क्राइसिस को, इस सिचुएशन को, इन हालात को जो पंजाब कांग्रेस में बने हुए हैं इस वक्त? ये दुखद घटना कही जाएगी राजनीतिक रूप से, इस तरह से किसी एक कद्दावर नेता का जिसने वहां आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ा, जिसने पूरे पंजाब में जो है एक अपनी पूरी ताकत इस बात के लिए कांग्रेस को एस्टेब्लिश करने में लगाया, व्यक्ति को इस तरह से विदाई देना, महज कुछ ऐसे तत्व जिनके बारे में राहुल गांधी जी को पूरी परख नहीं है, जो जिनको हम पाकिस्तान प्रस्त कह सकते हैं, उनको हम कह सकते हैं कि अभी हाल में ही जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकारों ने जिस तरह के कश्मीर पर बयान दिया, उसके बाद नहीं की कांग्रेस पार्टी ने, आप सीधे सीधे ये कह रहे हैं। एग्जैक्टली, उनकी परख नहीं मालूम है और ऐसे में अकाली दल को अब जो है ओछी राजनीति करने के बजाय अब कमर कसनी चाहिए, पंजाब की जनता को भी बचाने का अब सवाल है। ऐसे द्वंद में जब कांग्रेस जो है मतलब अब समझ लीजिए कांग्रेस का यहाँ पतन के अलावा आपको कोई रास्ता बचा नहीं है। हाँ, अकाली दल का भी रिएक्शन ले लेते हैं। परविंदर सिंह हमारे साथ, प्रवक्ता अकाली दल के जुड़े हुए हैं। परविंदर सिंह, आपका रिएक्शन इस पर? बीजेपी ये कह रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की कद्र नहीं जानी कांग्रेस पार्टी ने और इस तरह की विदाई वो डिजर्व नहीं करते थे। ये बहुत बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है
प्रेशर पॉलिटिक्स जो बनाई जाती है, इस ये देखिए तमाशा 3 महीने से चल रहा है। इससे ये नजर आता है कि जो हाई कमांड है वो एक वीक हाई कमांड है और वो अपने नेताओं के ऊपर, अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर कंट्रोल नहीं है। उनके जो नेता है, देखिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर पार्टी में होता है, लेकिन वो बंद कमरे में सॉर्ट आउट होता है। जब आप प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं, पब्लिक स्टेटमेंट देते हैं, पार्टी का मजाक उड़ाते हैं और देश के लोगों के अंदर पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन की एक इमेज है वो बड़ी नेगेटिव जाती है। आज ये सिनेरियो चल रहा है कि आज का यूथ पॉलिटिशियन को अच्छी नजर से नहीं देखता। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां उनके की जो राजनीति है उससे बचें। मैं इस बात को जो कांग्रेस पार्टी के अंदर हो रहा है, सिद्धू साहब को भी पता है। अभी आप बता रहे थे कि जाकर साहब कह रहे हैं ये हुआ उनको, ये सुनील जाकर ने ट्वीट किया है। जी, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि आप जो है सत्ता पार्टी में है, ये 4.5 साल तक ना तो सिद्धू साहब अपनी जिम्मेवारी से बात सकते हैं, 2.5 साल वो भी मंत्री रहे हैं और सारे नेशनल टीवी के ऊपर बड़े बड़े प्रवक्ताओं ने आके कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने कोई काम नहीं कहा। कोई भी 18 जो मैनिफेस्टो में वादे थे, चाहे नौकरियों का वादा हो, चाहे इन्वेस्टमेंट का हो, चाहे कर्ज माफी का हो, चाहे शराब माफिया का हो, चाहे किसानों का हो, चाहे रोजगार का हो, किसी के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। उसके अंदर सबकी कलेक्टिव जिम्मेवारी है। आज 4.5 साल बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता पक्ष में होती है उसकी एक जिम्मेवारी होती है, एक सेकंड, वो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के पास जाए और वो ये बताए कि हमने 4.5 साल में ये काम किए। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने इंटरनल पॉलिटिक्स में, वो ये पंजाब इंटरनल पॉलिटिक्स में उलझ गई कांग्रेस पार्टी। अकाली ये कह रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि कैप्टन अमरिंदर की कद्र नहीं हुई। अब ये स्टेटमेंट जो है ये लोडेड है, ये स्टेटमेंट के बहुत सारे मायने हो सकते हैं, कई हिंट्स हो सकते हैं, क्या वो आने वाले समय में पता चलेगा अगर ऐसा कुछ है तो। लेकिन फिलहाल की खबर ये कि कैप्टन अमरिंदर सिंह विधायक दल की बैठक में नहीं जा रहे। शाम 4:30 बजे राजभवन जा सकते हैं कैप्टन अमरिंदर। विशाल एंग्रीश ने ये सूत्रों के हवाले से खबर दी है और बगावत खुली कांग्रेस पार्टी के अंदर पंजाब में होती हुई दिख रही। इस सब के बीच सुनील जाखड़ जो एक और वरिष्ठ नेता है पंजाब कांग्रेस के, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में गिने जाने वाले बलराम जाखड़ कृषि मंत्री थे, लंबे समय तक स्पीकर रहे, लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर रहे, 9 साल तक तकरीबन उनके सुपुत्र हैं। उनका ट्वीट आया जहां वो राहुल गांधी की और पार्टी की सराहना कर रहे हैं कि आपने क्या बेजोड़ रास्ता निकाला इस क्राइसिस को सॉल्व करने का, जिससे ये सवाल उठने लगे कि क्या सुनील जाखड़ की एंट्री हो सकती है इसमें और कैप्टन तो अपने रास्ते जाने की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और क्या फिर सिद्धू खेमा क्या करने जा रहा है, सिद्धू खेमा के हाथ क्या लगेगा। विशाल एंग्रीज, सिद्धू खेमा के हाथ क्या लगेगा अगर सुनील जाखड़ बाजी मार ले जा सकते हैं जैसा कि उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट से संकेत मिल रहे हैं। देखिए नवजोत सिंह सिद्धू काफ़ी खुश होंगे कि उनके खेमे ने उनका नाम आगे बढ़ाया था और जो सुनील जाखड़ हैं वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ऐसा सिद्धू खेमा चाहता भी था कि उनके किसी भी जो साथी को वो मुख्यमंत्री बना दिया जाए, चाहे वो तृप्त रजिंदर बाजवा हो, चाहे सुखजिंदर रंधावा हो, और उनके पीछे सारी की सारी मंशा नवजोत सिंह सिद्धू की ये भी थी कि उन कहीं ना कहीं उनको मुख्यमंत्री का ताज पहना दिया जाए। लेकिन जो कंसेंसस सिद्धू धड़े में हो रहा था वो सिद्धू के नाम के ऊपर नहीं बल्कि कुछ नामों के ऊपर हो रहा था। ठीक है, मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के पास भी चलती हूँ, अभी तक हम उनके पास नहीं गए, फिर आपके पास आती हूँ। जगतार संघेरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगतार साहब, ये जो क्राइसिस चल रही है पंजाब कांग्रेस में और बगावत खुली दिखाई दे रही है सामने, कैप्टन अमरिंदर सिंह 4:30 बजे राजभवन जा सकते हैं, ये भी इस सिनारियों को आम आदमी पार्टी कैसे देख रही है? आपका बड़ा स्टेक है पंजाब की पॉलिटिक्स में और आने वाले चुनाव में। ये कांग्रेस पार्टी का इंटरनल पावर स्ट्रगल है, ये क्लियर कट इसी बात का संकेत नहीं सबूत है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार परफॉर्म नहीं कर पाई। कांग्रेस पार्टी की सरकार जो थी पंजाब में 4.5 साल, इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, किसानों को कर्ज मुक्त करना, घर घर रोजगार देना, माफिया राज को खत्म करना, नशा मुक्त करना पंजाब को, और बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। लेकिन जे उनमें से कोई भी वादा मुकम्मल रूप पर पूरा नहीं कर सके। कुछ बहुत सी चीजों पर तो शुरुआत भी नहीं की। हाँ। इसमें सभी एमएलए में फ्रस्ट्रेशन है कि लोगों के पास क्या लेकर जाएं 2022 की इलेक्शन के बारे में,
इसीलिए इनमें से इंटरनल फ्रस्ट्रेशन है, वो उसका ही रास्ता ढूंढ रहे हैं। सो इससे अंदरूनी लड़ाई शुरू होगी कांग्रेस पार्टी के अंदर कि कैसे किसको आगे लाएं, कैसे करें। और इस कड़ी का ही है कि सिद्धू को पार्टी का प्रधान बना दिया लेकिन फिर भी इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो और रीशफल कर रहे हैं। इंटरनल पावर सरकार जो पंजाब का नुकसान कर रही है। ओके विशाल एंग्रीश, क्या ये माना जाए कि सीएम अभी करंट जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है फिलहाल, तो क्या वो इस्तीफा दे सकते हैं? आपने खबर दी कि 4:30 बजे वो राजभवन जा सकते हैं, राज्यपाल को इस्तीफा दे सकते हैं क्या? देखिए जो हमारे सूत्र है वो तो यही बता रहे हैं कि आज कैप्टन अमरिंदर सिंह 4 बजे राज्यपाल को मिलने जा सकते हैं, वहां पर इस्तीफा देते हैं, जब प्रेजेंट सिनेरियो के ऊपर बात करते हैं वो राज्यपाल से मिलने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन जो सूत्र है वो यही बता रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं और उसके बाद की राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं वो किस तरह की होंगी, क्या राष्ट्रपति शासन या फिर विधायक दल का नया नेता चुना जाएगा, नया नेता को राज्यपाल नया नेता को गवर्नर अपनी अप्रूवल देते हैं या नहीं देते हैं, या फिर दोबारा से शक्ति प्रदर्शन की बात की जाएगी, ये कई बातें होंगी जो धीरे धीरे सामने आनी शुरू हो जाएंगी अब से थोड़ी देर बाद ही। काफी पेच जो है वो उलझ गया है, उतना सीधा नहीं रहा जितना कांग्रेस की सीएलपी की बैठक बुलाए जाने के बाद लग रहा था कि सीधे तौर पे सभी की बैठक बुलाई है। थोड़ी देर पहले ही हम बात कर रहे थे विशाल, और ये कहा जा रहा था कि कुछ कोई शक्ति प्रदर्शन या ऐसी कोई बात नहीं होगी, सीधे तौर पर एक फरमान सुनाया जाएगा 5 बजे की बैठक में कि ये है, ये है, ये नहीं है। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह 4:30 बजे राज्यपाल के राजभवन जा सकते हैं, फिर इस्तीफा दे सकते हैं, और अब क्या राजभवन से आगे का सिनारी तय होगा, पूरा पेच यहां पे उलझ गया है, अब सब चीजें उतनी आसान नहीं रही। देखिए बिल्कुल आसान चीजें दिखाई नहीं देती जितनी बाहर से दिखाई देती हैं, और धीरे धीरे जो मामले हैं वो लगातार ही उलझते चले जा रहे हैं क्योंकि कैप्टन काफी नाराज हैं कि बिना उनसे पूछे, बिना उनसे सलाह मशवरा किए आला कमान ने ये बैठक बुला लिया। यदि जो हमारे सोर्सेज हैं जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी हैं वो ये बता रहे हैं कि यदि आलाकमान कैप्टन अमरिंदर सिंह को विश्वास में लेता, क्योंकि इससे पहले भी फोन के ऊपर वो श्रीमती सोनिया गांधी को कह चुके थे कि यदि आवश्यकता है तो वो अपने पास से त्याग पत्र दे देते हैं और आप को जो मर्जी हो आप दूसरे किसी को भी अपना मुख्यमंत्री बना लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और चुपचाप कांग्रेस आला कमांड ने रात को अपना फरमान सुना दिया, और जो फरमान सुनाने के बाद की राजनीति है वो सारा पंजाब ही नहीं सारा देश देख रहा है। पंजाब ही नहीं पूरा देश देख रहा, और इस वक्त की बड़ी खबर ये कि 4:30 बजे राजभवन जा सकते हैं सीएम अमरिंदर, सूत्रों के हवाले से राज्यपाल को इस्तीफा दे सकते हैं। नाराज हैं कैप्टन अमरिंदर, वो चाहते थे कि उन्होंने पहले भी ऑफर की थी कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाना है तो पार्टी उन्हें सीधा कहे वो त्यागपत्र दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कल रात अचानक एक ट्वीट आता है, ये फरमान जारी किया जाता है, ये कहा जाता है हरीश रावत का ट्वीट था कि सभी जितने भी विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के पंजाब में उनकी बैठक बुलाई गई आज शाम 5 बजे पंजाब कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में, और वहाँ पर सबको बुलाया गया और ये कहा जा रहा था कि शायद वहां जो भी नेतृत्व परिवर्तन होगा उसके बारे में बता दिया जाएगा। फिर ये खबर आने लगी कि कैप्टन अमरिंदर जो है उनके आवास पर अलग एक बैठक कर रहे हैं, वो अपने समर्थक मंत्रियों और विधायकों को वहां बुलाकर उनके साथ बैठक कर रहे हैं। उसके बाद ये खबर आई कि कांग्रेस आलाकमान ने यह स्पष्ट निर्देश दिया कि भाई एक ही बैठक होगी और वो वही होगी जो 5 बजे सीएलपी की बैठक है, दूसरी कोई बैठक नहीं होगी। इसके बाद ये खबर आने लगी कि अमरिंदर सिंह नाराज हैं और वो उस विधायक दल की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे जो शाम 5 बजे, क्योंकि उनकी जानकारी या उनकी कंसल्टेशन के बगैर यह बैठक बुलाई गई। और अब यह खबर आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज, वो ये कि कैप्टन अमरिंदर सिंह शाम 4:30 बजे अब से थोड़ी देर बाद जा सकते हैं राजभवन, राज्यपाल को अपना इस्तीफा दे सकते हैं, और उसके बाद राजभवन में राज्यपाल क्या तय करेंगे, और इन द मीन वाइल जो 5 बजे कांग्रेस की बैठक हो रही है उसका क्या होगा, क्या कांग्रेस के जो पर्यवेक्षक और वरिष्ठ नेता पहुंचने वाले थे पंजाब, विशाल एंग्रीश, अजय माकन और दूसरे नेता, तो क्या वो पहुंच चुके हैं कांग्रेस कार्यालय, कांग्रेस का जो पंजाब ऑफिस है वहां से किस तरह की खबरें आ रही हैं ये तमाम इन डेवलपमेंट्स के बाद?
देखिए वहाँ पर 12 से 15 जो विधायक हैं वो पहुँच रहे हैं और धीरे धीरे कुछ और विधायक भी वहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं और जो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं वो 5 बजे पहुँचेंगे। फिलहाल यही कहा जा रहा है कि वो चंडीगढ़ पहुँच गए हैं और चंडीगढ़ में किसी के घर में बैठकर आपसी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि सारे सिनेरियो की भी पल पल की रिपोर्टिंग कांग्रेस आला कमांड को ये केंद्रीय पर्यवेक्षक भी दे रहे हैं और जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक संदेश देने की कोशिश की है वो भी आला कमांड तक पहुंचाने में मदद कर दी गई है और जिस तरह से कमलनाथ को आज मुख्यमंत्री ने फोन करके भी कहा कि इस तरह से उनको काफी पीड़ा महसूस हुई है कि जिस तरह से आज विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और मैं सोनिया गांधी से ये अपेक्षा नहीं करता था कि ये सारा सिनेरियो पंजाब में हो। यदि उनको कहा जाता तो बड़े आराम से वो अपना त्याग पत्र दे देते और जिसको भी आला कमांड चाहता वो बना देता, क्योंकि इस समय पंजाब किसानों की लड़ाई लड़ रहा था। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वो किसानों की लड़ाई लड़ने में व्यस्त थे, लेकिन कांग्रेस आला कमांड ने उनको इस मसले पर उलझा दिया है। कांग्रेस आला कमांड ने इस मसले पर उलझा दिया है। मैं चलूंगी बीजेपी के महेश वर्मा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजभवन में फोकस शिफ्ट होता हुआ महेश वर्मा, 5 बजे कांग्रेस की बैठक थी अब सभी विधायकों की सीएलपी की और अब ये कहा जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर जा रहे हैं राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने, सूत्र ये बताते हैं। अब फोकस चला गया राजभवन पर। जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का जो एक व्यक्तित्व रहा है वहां पर उसको समझने की जरूरत है। कैप्टन विक्रम सिंह, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है के बिना जो है वहां कांग, हाँ आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। जी जी, मेरी आवाज आ रही है, सुन रहे हैं हम आपको, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ शीतल जी कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक व्यक्तित्व है और छवि जो है उसके बिना वहां कांग्रेस की कल्पना जो है कभी की ही नहीं गई। वहां जो भी लीडर हैं, ये जो छुटभैया टाइप के लीडर जो आप नवजोत सिंह सिद्धू, ये जो एकदम से ब्लंट होके बात करना, नवजोत सिंह सिद्धू एकदम छुटभैया नेता कह रहे हैं आप, क्या बात। मैं इससे ज्यादा उस व्यक्ति को तवज्जो इसलिए नहीं देता हूं कि जिस व्यक्ति का आचरण ऐसा हो, जिस व्यक्ति के पास कोई अपने प्रदेश के लिए अपने देश के लिए के साथ ही थे अपनी, वो कुछ साल अपनी, पहले तक तो, अपनी स्थिति परिस्थिति को संभालने कुछ साल पहले नवजोत सिंह सिद्धू। ठीक है, आप हमारे यहाँ जो है उनको क्या समझा गया, हम जितना उनको मान सम्मान दे दिए जितना उनका सामर्थ्य था उससे ज्यादा क्या वो ये थे नहीं। उनके लिए हो सकता है कांग्रेस जो है कांग्रेस के लिए अलाउद्दीन के चिराग हो सकते हैं, हमारे यहाँ वो जो थे उससे ज्यादा हम उनको वो डिजर्व नहीं करते थे, उतनी जितना वो डिजर्व करते थे शीतल जी उतना हमने उनको दिया। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो इस पूरे प्रकरण में अगर आप देखेंगे तो इसका फायदा किसको मिलना है, ऐसा ना हो कि पंजाब में धुर्त लोगों का जो है इसका फायदा, आपको क्या लगता है? मैं वही कह रहा हूँ ना, जो जैसे उठे लाल केजरीवाल ये इस टाइप के लोग जो है ना वहाँ सक्रिय अगर हो गए और अकाली दल और बीजेपी ने अगर अच्छे से इसका काउंटर नहीं किया समय रहते हुए पंजाब के लोगों को हम नहीं बचा सके तो पंजाब को बैठक से पहले इस्तीफा दे सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। 5 बजे सीएलपी की बैठक, उससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह अपना इस्तीफा दे सकते हैं। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, रमन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर। रमन, 5 बजे की बैठक का फोकस चला गया 4:30 बजे, राजभवन में इस्तीफा दे सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, बड़ी खबर। बिल्कुल, पंजाब से बहुत बड़ा डेवलपमेंट ये होने जा रहा है कि अचानक 5 बजे सीएलपी की बैठक बुलाई गई और दो ऑब्जर्वर अजय माकन, हरीश चौधरी को वहां भेजा गया, हरीश रावत पार्टी के प्रभारी हैं उनके साथ। यानी कि आप कह सकते हैं कि बड़ा फैसला एक लेने की तैयारी कांग्रेस आला कमान ने कर लिया है और कैप्टन अमरिंदर सिंह की शख्सियत बहुत बड़ी थी, पार्टी के अंदर बहुत बड़ी है और ये फैसला किस आधार पर लिया गया ये बात अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रही है। इसलिए समझ में नहीं आ रही है कि अभी कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए ट्रैक्टर यात्रा की थी, 3-2 दिनों तक कैप्टन के साथ रहे थे, सब जगह कैप्टन के साथ उन्होंने पंजाब सरकार के समर्थन में बात की थी और कहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार फिर से एक बार आनी चाहिए। लेकिन जो परिस्थिति उभर कर सामने आई है नवजोत सिंह सिद्धू के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से जिस तरीके से बगावत का रास्ता बुलंद किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि 40 विधायक कैप्टन के खिलाफ हो गए हैं और कांग्रेस हाईकमान को चिट्ठी लिखकर उन्होंने कहा है कि सीएलपी की बैठक बुलाई जाए।
ऐसे में अब सबसे बड़ी बात ये उभर कर सामने आ रही है कि बीजेपी की तरफ से कैप्टन को ऑफर दिया गया है। जी, दिलचस्प है।